कुछ इतने चूड़े और बैंगल्स मेरे पास में है, तो मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाती हूँ। हेलो एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों के साथ में आज फिर से आ गई हूँ मीशो हॉल शेयर करने के लिए। क्योंकि बार ना मैंने मीशो से ढेर सारे चूड़े और बैंगल्स ऑर्डर किए हैं, सो उन्हीं का आज आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज, कुछ इतने चूड़े और बैंगल्स मेरे पास में है, तो मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाती हूँ। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी चूड़ा पसंद आता है या फिर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लिंक या फिर कोड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सो गाइज, फर्स्ट अपन ओपन करते हैं ये वाला बॉक्स। एक्चुअली मैंने इसको ओपन करके देख लिया है बट पूरी तरह से नहीं ओपन किया है। तो मैंने इसमें ऑर्डर किया है ये पिंक कलर का चूड़ा। सो बिना पिंक कलर के चूड़े ना इस टाइप के काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जितनी भी गर्ल्स की शादियां हो रही है, एकदम पेस्टल कलर के लहंगे पहन रही है, उनके साथ में एकदम लाइट कलर के ये वाले चूड़े पहन रही है। तो मैंने भी अपने लिए एक ऑर्डर कर लिया है। मेरे पास में एक डार्क पिंक कलर में चूड़ा था बट इस टाइप में एकदम लाइट पिंक कलर में नहीं था। सो मैंने एक ये मीशो से ऑर्डर कर लिया है। सारे ही बैंगल्स और चूड़ों की प्राइस ना आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप ये देखिए कितना ज्यादा प्रीटी सा मैंने ये चूड़ा ऑर्डर किया है मीशो से। अभी मैं आपको पूरा ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो ये वाले चूड़े में ना आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे मीशो पर। और इससे जो इस टाइप के जो बिंदी वाले चूड़े होते हैं ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लाइक मुझे नहीं पता इस वाले चूड़े को क्या बोलते हैं, मैं तो बिंदी वाला चूड़ा ही बोलती हूँ। और ये मैंने अपनी साइज का मंगवाया है 2.8 का। सो ये आप ये देखिए चूड़ा मिलता है, ये एक हाथ का है। अपन चाहे तो इसको इतना भी वेयर कर सकते हैं और पूरा चाहे तो हेवी लुक के लिए पूरा भी कर सकते हैं। और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, ओनली 200 में मुझे शायद ही मिल गया था चूड़ा। और आप इसकी क्वालिटी देखिए कितनी ज्यादा बढ़िया सी है। और ये में प्लास्टिक में ये वाला पूरा चूड़ा मिलता है, इसको शीप बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये हमें कुछ इस टाइप का लाइट पिंक कलर का चूड़ा मिलता है। और पिंक कलर का चूड़ा मुझे काफी टाइम से चाहिए था और काफी ज्यादा अच्छा लगता है एकदम पेस्टल कलर के लहंगों के साथ में, या फिर जो हमारी कुछ नेट की साड़ी होती है ना एकदम लाइट कलर में, उनके साथ में इस टाइप के चूड़े अच्छे लगते हैं। नॉर्मल रेड वाले चूड़े पहन के अपन बोर हो जाते हैं, तो कुछ कलर चेंज भी करना चाहिए। सो एक मैंने करवा चौथ पर भी आप लोगों के साथ में चूड़ों का हॉल वीडियो शेयर किया था, वो काफी लोगों को पसंद आया था। तो मैंने अबकी बार फिर से मीशो से अफोर्डेबल चूड़े ऑर्डर कर लिए हैं। तो ये इतना पूरा ना दोनों हाथों का हो जाएगा, ठीक है। और एकदम क्वालिटी एकदम अच्छी सी है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हमारा ये वाला चूड़ा है। सेकंड मेरे पास में है ये मल्टी कलर वाला चूड़ा। सो इस टाइप की चूड़ा ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने एक ये वाला चूड़ा ऑर्डर कर लिया। स्पेशली जो गर्ल्स न्यूली मैरिड है या फिर ब्राइड टू बी है, उनके लिए ना ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करिए, स्पेशली जिनके भी वेडिंग होने वाली है उनके साथ में। सो मैंने ये मल्टी कलर में चूड़ा ऑर्डर किया। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनको लाइक कम चूड़े पहनना पसंद होता है, प्लस वो बार बार चूड़े परचेज नहीं कर सकते, लोगों के लिए ना इस टाइप के जो चूड़े होते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं, आपकी काफी सारी साड़ियों के साथ में मैच हो जाएगी। सो आप इसमें देखिए पिंक, येलो, रेड, मरून और ये वाले बड़े वाले रेड कलर के कड़े, हमें इस टाइप से ये चूड़ा मिलता है। सो काफी सारी साड़ी और ड्रेसेस के साथ में हमारा ये चूड़ा मैच हो जाएगा। प्लस इन चूड़ों की खास बात क्या होती है जो मुझे अच्छी लगती है, कि हम इन चूड़ों को ना एज ए पूरा चूड़ा भी पहन सकते हैं। चूड़ा पहनते पहनते बोर हो गए तो सिंगल सिंगल ये वाले जो कड़े होते हैं ना ये भी हम वेयर कर सकते हैं, और ये वाले जो कड़े होते हैं ना बीच में बड़े वाले इनको भी हम वेयर कर सकते हैं। जैसे काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनको सिंगल सिंगल कड़े पहनना ही पसंद होता है, तो उनके लिए ना ये वाला चूड़ा एकदम परफेक्ट है। आपको अलग अलग से चूड़े परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ये काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा, ओनली अंडर 300 आपको ये चूड़ा मिल जाएगा। सो बताओ 300 रुपए में इतना सुंदर चूड़ा मिल रहा है। और आप इसकी क्वालिटी देखिए कितनी बढ़िया सी है, बीच बीच में इसमें स्टोन भी लगाए गए हैं। और ये वाला जो कड़ा होता है ना इस पे आप ये देखिए कितने मोटे मोटे से ये स्टोन लगाए गए हैं और काफी अच्छा, इसकी क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। सो मुझे ना इस टाइप मल्टी कलर वाले चूड़े पसंद आते हैं। अगर आप कोई राजपूती लुक क्रिएट करना चाहते हो या फिर आपकी ड्रेसेस कुछ ऐसी है, तो उसके साथ में ना आपका ये वाला चूड़ा एकदम अच्छे से जाएगा। अगर आपको उस टाइप की जो चूड़े होते हैं ना पंजाबी चूड़े वो नहीं पसंद आते, मैंने देखा है काफी लोगों को ना इस टाइप के चूड़े पसंद आते हैं, वो बोलते हैं कि वो वाले चूड़े थोड़े सिंपल सिंपल लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो वाले जो चूड़े होते हैं ना उनका लुक ज्यादा अच्छा आता है, बट कभी कभी मुझे इस टाइप के चूड़े वेयर करना भी पसंद है। तो एक मैंने ये ऑर्डर कर लिया है। अगेन ये मैंने 2.8 का मैंने अपने साइज का मंगवाया है ये वाला चूड़ा, और इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया सी है, और इसका भी आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज, मेरे पास में है एकदम सिंपल सी बैंगल्स। लाइक क्या होता है ना, रोज रोज हम वो चूड़े नहीं पहन सकते, कभी लाइक मान लो शादी के फंक्शन चल रहे हैं
तो रोज रोज हम वो चूड़े पहनेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो कभी अपना चूड़ा या फिर बैंगल्स चेंज करने का मन करे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो सिंपल वाली वेलवेट वाली बैंगल्स होती है जो ग्लास की होती है उसके ऊपर वेलवेट लगाया हुआ रहता है वो वाली मैंने बैंगल्स ऑर्डर कर ली है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैंने 4 कलर्स में जो प्लेन जो शाइन वाली बैंगल होती है वो मंगवाई थी, अब की बार मैंने जो वेलवेट वाली बैंगल होती है उनके साथ में ये गोल्डन वाली बैंगल्स भी आती है, ये वाले मैंने 2 कलर्स में मंगवाए। मैंने 4 कलर्स आए थे लास्ट टाइम मेरे पास में, तो इस बार मैंने ये 2 कलर्स में मंगवाई है, एक तो ये ग्रे कलर में और एक ये पिंक कलर में। सो ये ग्लास की है, प्लास्टिक की है, फिर शीप की नहीं है। मुझे ना इस टाइप की बैंगल्स भी चाहिए थी सिंपल बट सुंदर सी, तो मैंने एक ये ऑर्डर कर दी है। इनकी भी आपको प्राइस स्क्रीन पर दिख जाएगी तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी का बढ़िया सी। अभी मैंने इनको ओपन नहीं किया है, आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, पिंक वाली दिखाती हूँ। ये ना मुझे लग रही है मेरे ना एकदम परफेक्ट साइज की है, वो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा टाइट होगा मेरे, पर ये एकदम मुझे दिखने में भी एकदम अच्छा सा लग रहा है। सो अब देखिए एकदम प्रॉपर 2.8 की बैंगल लग रही है ना, और ये ग्लास की है उसके ऊपर वेलवेट लगाया हुआ है, और ये वाली भी सेम ऐसी है ग्लास की, इसके ऊपर ये शाइन वाले स्टोन जैसे लगाए गए हैं। तो ये पूरा हमें दोनों हाथों का ये सेट मिलता है, इतना इतना दोनों हाथों का हो जाएगा। और इसके बाद में गाइज मैंने ऑर्डर किया अगेन एक मल्टी कलर में चूड़ा, जिसे मैंने वो मल्टी कलर वाला दिखाया था ना उसी के जैसा मैंने ये वाला चूड़ा ऑर्डर किया है। सो आप ये देखिए, तो इस वाले चूड़े में ना आपको बीच में ना बड़ा सा कड़ा मिलेगा, आप ये देखिए। एक बात बताना भूल गई कि वो वाला चूड़ा और ये वाला चूड़ा ना मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किया था, मीशो से अलग अलग नहीं ऑर्डर किया था। चाहो तो कॉम्बो में भी ऑर्डर कर सकते हो, कॉम्बो में ना क्या होता ना आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा। ऐसे ना ये सिंगल चूड़ा आपको 300 में मिलेगा और कॉम्बो में अंडर 500 आपको 2 चूड़े मिल जाएंगे। सो ये वाली डील काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो आप कॉम्बो में चाहो तो इस टाइप के चूड़े ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे ना ये वाले 2 कलर्स अच्छे लगे तो मैंने ये वाले ऑर्डर किए। इनके अलावा ना काफी सारे कलर ऑप्शन भी मीशो पर अवेलेबल है, सो आप चेक कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। और गाइस अभी वेडिंग सीजन भी ऑन है तो उसके अकॉर्डिंग ना ये चूड़े एकदम परफेक्ट है, आपके बजट में एकदम परफेक्ट फिट होने वाले, इसलिए मैं आप लोगों को ना अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो लोग जाके मार्केट से परचेज करते हैं, उन लोगों को लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी ऑनलाइन और अच्छे नहीं आएंगी कलर में भी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ अफोर्डेबल चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि लोग उनको परचेज कर सकें। इसलिए मैंने एक ही चूड़ा और ऑर्डर किया, आप ये देखिए कितना बढ़िया सा है, ये भी मैंने 2.8 का मंगवाया अपनी साइज का। उसमें काफ़ी सारे मतलब उसमें ना 5 कलर्स में वो वाली बैंगल्स थी मल्टी कलर में, जिसमें आपको ग्रीन येल्लो और ये रेड ये बड़े वाले कड़े पर ही मिल जाएगा। तो अगर आपको सिंपल सा कड़ा पहनना है तो आप ये बीच वाला कड़ा भी पहन सकते हैं, और आपको हैवी लुक चाहिए अगेन मैंने आपको बताया कोई राजपूती पोशाक वगैरह पे, तो आप ये देखिए इसमें बीच में ग्रीन कलर का ये वाला कड़ा मिलता है, फिर ये मोटा वाला हमें कड़ा मिलता है। आप ये देखिए इसमें 3 कलर्स मिल जाएंगे और बीच बीच पर ना ये कुंदन के इस टाइप के फ्लावर्स बने हुए हैं। सो आप इसकी क्वालिटी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया सी है ना इस वाले कड़े की, और फिर ये वाला कड़ा तो होता ही है सारे चूड़ों में, और फिर हमें ये कुछ इस टाइप का चूड़ा मिलता है। गाइस इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप लोग एकदम आंख बंद करके ये वाले चूड़े ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में किसी की शादी है या फिर कुछ भी कोई भी फंक्शन है अगर आपको उसके अकॉर्डिंग चूड़े चाहिए तो, और इस टाइप की चूड़ों को ना आप अलग अलग भी पहन सकते हैं, ये वाला चूड़ा पहन लिया, ये ग्रीन कलर की सिंपल सी पहन ली, और ये वाला बड़ा कड़ा पहन लिया। अगर आपको थोड़ा सा सिंपल लुक चाहिए तो आप इस टाइप से अपना एक चूड़ा बना सकते हैं। सो आप ये देखिए सिंपल सा हो गया ना, वो हैवी वाला मैंने हटा दिया पूरा, तो ये सिंपल सा हो गया। कभी आपको सिंपल वेयर करने का मन करे तो जो इस टाइप के जो चूड़े होते हैं उनको काफ़ी टाइप से हम वेयर कर सकते हैं, लाइक सिंपल हो गया एक तरह से पहन लिया, फिर सिंपल पहन लिया, फिर ये वाला करके पहन लिया, इस टाइप से मल्टी वेज में हम इसको स्टाइल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। सो ये हमारा चूड़ा था नंबर 4th, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे हाथ का। गाइज इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, तो ये वाला कड़ा तो सारे चूड़ों में आता ही आता है। एंड लास्ट गाइज मेरे पास में एक और शायद बैंगल का सेट है या फिर कड़ों का है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको उन दोनों चूड़ों में दिखाया कि उनमें ना ये बड़े वाले कड़े आए थे, तो ये मैंने ना नॉर्मल मीशो से नहीं मतलब मीशो से ही ऑर्डर किए हैं, बट नॉर्मल ऑर्डर नहीं किए, जो मीशो की 9 रुपीज़ वाली डील होती है ना उसमें से मैंने कोई दूसरी बैंगल ऑर्डर की थी, इधर इमेज लगा दूंगी, बट उसके बदले में ना मुझे आप ये देखो ये वाले कड़े रिसीव हुए हैं, लाइक ये वाले कड़े ना जो मैंने ऑर्डर किए थे ना उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और अच्छे से रिसीव हुए हैं मुझे, तो मुझे वाले कड़े ना मुझे अच्छे लगे थे, तो आप ये देखो। बट ये मेरे साइज के नहीं है, एक साइज छोटे हैं। ये वाले चूड़ों के साथ में इस टाइप के कड़े आए भी थे, तो काफ़ी सारे कड़े हो गए हैं मेरे पास में इस टाइप के।
7 to 8 पेयर्स हो गए इस टाइप के कड़ों के मेरे पास में, क्योंकि इस टाइप के जोड़ों के साथ में आ जाते हैं और एक ये वाले और आ गए हैं। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इनमें से कौन सा जुड़ा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्पेशली आपके घर में किसी की शादी है, आपकी फ्रेंड की शादी है, तो उन लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। प्लस ये जुड़े काफी अफोर्डेबल है गाइज, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ मैं एकदम अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय।